साथ हादसा हुआ है, उनकी फैमिली के साथ बदसलूकी करी। हम सब इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरी से फौरी ये जो मुजरिम है इनके साथ वही सुलूक किया जाए, इनको तो उसूलन खड़ा करके शूट कर दिया जाए। ज्यादा टाइम ज्यादा ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है, इस किस्म के मुजरिमों को फौरी शूट कर देना चाहिए और इन लोगों के साथ फौरी। व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर लूजिंग ऑल सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। द काइंड ऑफ अनबिलीवेबल थिंग्स वी हैव डन टू एन 8-year-old गर्ल, इट्स अनथिंकेबल। This has to be condemned by any sane person in this society. Otherwise, our society is going to pay a heavy price. All of us are going to suffer for it. मैं इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक जो जम्मू में 8 साल बच्ची का जिस तरीके से एक मंदिर के अंदर उसको किडनैप करके पहले एक साजिश के साथ ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो नोमैड लोग हैं, जो गुजर बकरवाल, जो 6 महीने एक जगह रहते हैं और 6 महीने दूसरी जगह, उनके पास अपनी कोई जगह नहीं होती। वो सिर्फ अपने जो माल मवेशी को लेकर 6 महीने शहरों में गुजारते हैं और 6 महीने जंगलों में। उनको एक प्लानिंग के तहत वहां से निकालने के लिए एक सांझीराम इंसान, एक सांझीराम नाम का इंसान जो है वो साजिश करता है और वहां से उनको निकालने के लिए एक 8 साल बच्ची को किडनैप करता है और फिर 8 लोग मिलकर उसका रेप करते हैं और किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक शर्मनाक वाकया है। और फिर उसको उस जगह पर छुपाते हैं कि जो एक पवित्र जगह है मंदिर में, उसको छुपा के रखते हैं। और इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। इस चीज को देख के हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। उसके बाद होता ही है कि वहीं पर एक हिंदू एकता मंच बनता है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उस हिंदू एकता मंच में इस चीज को दिखाया जाता है कि कौन कट्टर हिंदू है। इन दोनों चीजों से लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी लोगों को पोलराइज करके 2019 के इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। अगर उनके इस पोलराइजेशन से कहीं ना कहीं हमारी औरतें जो हैं वो महफूज नहीं है, हमारी बहनें महफूज नहीं है, उनके तहफ़ के लिए आज हम यहाँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि जो बंदा तालिब हुसैन उस पूरे केस को उस विक्टिम के लिए लड़ता है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके सर पर आज पता चलता है, कुछ थोड़े टाइम पहले की न्यूज़ है कि उसी हिंदू एकता मंच ने 6 लाख रुपए का इनाम रखा है कि कौन उसका सर काट के लाएगा, कौन इतना कट्टर हिंदू होगा उसको 6 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इन सारी चीजों से ये चीज साबित होती है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बहुत बड़े खतरे में है। यूपी का जो उन्नाव में केस हुआ कि जहां पर बीजेपी के एक एमएलए एक औरत का रेप करते हैं और बाद में जब उसका बाप इंसाफ के लिए उस योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर जाता है, वहां से बीजेपी के एमएलए को अरेस्ट करने के बजाय जो उस बच्ची के जो है बाप को अरेस्ट किया जाता है और किस तरीके से पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या होती है। इसलिए आज हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोगों को बिना किसी जात पात, बिना किसी रिलीजन के सामने आने की जरूरत है अगर वो अपने आने वाली नस्लों का एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। उन्होंने रेप किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। हम ये मोहब्बत के लेके कब तक बैठ रहेंगे? हमारे में इतना दम नहीं गया कि हम उन रेपिस्टों को पकड़ सकें। जालिमों को फांसी दो। कि आज यहाँ पर सड़कों पे खवातीन, बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, जवान, बूढ़े सभी लोग आए हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। यहाँ पे आए इसलिए कि छोटे बच्चों के साथ, एक छोटी लड़की जो मासूम लड़की है जम्मू में, कि 8 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौने तरीके से रेप किया, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा है। यूपी में रेप हुआ, चाहे यूपी में हो या जम्मू कश्मीर में हो या इंडिया किसी जगह पे हो, रेप रेप है इरेस्पेक्टिव ऑफ मजहब मिल्लत। हम कहते हैं कि कल्प्रिट को फौरी सजा दे और सेव करने का और टेंडेंसी जो लेके आए, ट्रेंड लेके आ रहे, कल्प्रिट को सेव करने का, उसको खत्म करें और विक्टिम्स को सेव करें, आप उनको हेल्प करें। हमारा डिमांड ये है, डिमांड के साथ, कि फौरन फास्ट ट्रैक में एक केस का सॉल्यूशन हो जाए, फास्ट ट्रैक में डाल के इसका कल्प्रिट को सजा देने का लिए क्या ना क्या नया एक निर्भया का एक्ट जैसा आसिफा का एक्ट की जरूरत नहीं है। जो भी आप एक्शन लेंगे कि वो फौरन लिया जाए ताकि किसी सबक मिले, कोई और इसका कम नहीं करे। बेटी बचाओ बेटी हटाओ की, बेटी पढ़ाओ की बात नहीं आप जो बोले, ये धोखा दे रहे हैं आप। बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ, ये हमारा नारा होगा 2019 में। अब बीजेपी हर चीज नहीं आएगी, हम जरा इसका इंतजाम करें। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ।
శిక్షించాలి, ఆసిఫా కేసులో నిందితులను వెంటనే శిక్షించాలి, నిందితులను వెంటనే.